मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। तो उसके लिए जहाँ पर IMF का प्रोग्राम हमें एक मजीद करना है, वो 2 साल का हो 3 साल का हो, हमें ज़रूरत है इस्तेहकाम की। लेकिन ये IMF में हमें नहीं बताना है जनाब आप हाइब्रिड बीज लेके आएंगे, मॉन्सेंटो को आप इन्वॉल्व करेंगे या किसी और दुनिया की आला पाए की कंपनी को लेके आएंगे और यहाँ पर जो जाली बीज बिकता है उसका खात्मा करेंगे तो आपकी जो ज़राअत है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगी। आप कीड़े मारने वाले अद्वियात को, आप फर्टिलाइजर को अच्छी क्वालिटी का देंगे किसान को तो आपकी ज़राअत तरक्की करेगी। इसी तरीके से आप नौजवान नस्ल को अगर उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनको स्किल्स मुहैया नहीं करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर IT को हम 25 बिलियन छोड़ के 100 बिलियन का भी ख्वाब देख सकते हैं, वो क्यामत तक अधूरा रहेगा। उनकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए हमें उसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है। इसी तरीके से अभी कल हमने जो मीटिंग ली है जहां पर इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, होर्डिंग और जो लीकेजेस हैं, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है, पेट्रोलियम की चोरी है और पाकिस्तान का जो सोना है जिसपे हमें डॉलर मिल सकते हैं, हमारी चीनी, हमारी गंदम, वो जो स्मगल हो रही है उसको हम अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो वो किसका नुकसान है? इस मुल्क का नुकसान है और गरीब आदमी उससे गरीब तर होता चला जा रहा है। उसको हमने स्मगलिंग को रोकना है, उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये दरख्वास्त की गई कि जनाब वो फौरी तौर पर एक अपनी प्रेजेंटेशन लेके आए। इसी तरीके से ज़राअत के मैदान में हमने तरक्की करनी है। कल वहां पर दिखाया जा रहा था कि बिजली के मद में शायद ही पाकिस्तान का पहला मौका है कि इस इंटरिम पीरियड में 58 अरब रुपए, नॉमिनल तो शायद 80 अरब है लेकिन रियल 58 अरब रुपए जो चोरी किए हैं वो रिकवर किए गए। तो ये एक मिसाल है कि अगर वेर एवर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे। तो अगर एक यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, इट वाज अ इंटरिम गवर्नमेंट, उनको अगर ये हौसला हुआ, हिम्मत मिली और उनको हिम्मत दिलवाई भी गई, इदारों के सरबराह ने बहुत सपोर्ट दी उनको और ये सामग्री में भी कमी आई और बिजली की चोरी भी रिकवर होने शुरू हो गई।